रिक्शा रिक्शा। हाँ सोनम बोलो। हरीश मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। क्या कौन? पता नहीं। Are you sure? शायद चला गया। अच्छा तुम एक काम करो, तुम वहां से निकलो जल्दी। क्या हुआ सोनम, इतना घबराई हुई क्यों? मैं आकाश, पहचाना नहीं? हरीश का सीनियर। I'm so sorry. It's okay. पर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वो दरअसल मुझे लगा था कोई मेरा पीछा कर रहा है। पीछा कर रहा था? पर यहाँ तो कोई नहीं। हाँ हरीश। हाँ सोनम, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। वो आकाश भाई साहब मुझे मिल गए। हरीश तुम भी कमाल के आदमी हो यार, इतनी खूबसूरत बीवी को इस रात को कोई अकेला छोड़ता क्या? अच्छा सुनो, सोनम को अपने साथ लेकर मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम वहीं आ जाना, ठीक है? जी भाई साहब, ठीक है चलो। लेकिन अरे वैसे भी सैटरडे को एक डिनर ड्यू था, आज हो जाएगा। पर हरीश वहीं आ जाएगा, चलो कमन कमन। हरीश कोई उठा कर नहीं ले जाएगा तुम्हारी बीवी को, हाथ छोड़ो खाना खाओ यार। भाई साहब आज के हादसे के बाद तो मैं सच में टेंशन में आ गया था। अरे तुम उसे मना कर रहे हो लेकिन खुद कुछ नहीं सीखोगे। याद भी है कब आखिरी बार तुमने मेरा हाथ इतने प्यार से पकड़ा था? इनकी नई नई शादी हुई है, सोनम को देखो एकदम स्लिम ट्रिम कमाल के फिट है। और अपने आप को देखो। वो प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा वेट गेन हो ही जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी जी आप। और वैसे भी आपकी बेटी पिंकी बहुत प्यारी है और आपका घर भी बहुत प्यारा है। अरे ये तो किराए का मकान है, हमने अपना खुद का फ्लैट खरीदा है। वो गौरव सोसाइटी है ना जहाँ नए टावर बने, वहाँ पे रेनोवेशन खत्म होते ही ना तुम दोनों वहाँ जरूर आना। अरे हमें तो वो सोसाइटी इतनी अच्छी लगी कि हमने दूसरा फ्लैट भी वहीं पे खरीद लिया। वैसे उस आदमी का कुछ पता चला जो सोनम का पीछा कर रहा था? नहीं भाभी, मुझे लगता है वो इसका वहम था। और वैसे भी हर खूबसूरत लड़की को लगता है कि कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है। घंटे फोन में लगे रहते हो, अरे क्या है? रीमा सो जाओ। क्यों सो जाओ? सो क्यों जाओ? पहले एक दिन का गैप, फिर एक हफ्ते का, अब तो महीनों हो जाते हैं तुम तो मेरी तरफ देखते तक नहीं हो। आकाश हरीश को देखा कैसे अपने बीवी के कमर में हाथ डाल के चलता है? कमर में हाथ डाल के चलता है
कमरे में नहीं। तुम तो बड़े फिट हो ना, कोई और आ गई है क्या जिंदगी में? नहीं रीमा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, पिंकी से भी बहुत प्यार करता हूँ, पर रीमा अब मुझे तुम्हें देखकर कुछ होता नहीं। और जब से पिंकी पैदा हुई है तुम भी फैलती जा रही। पिंकी को मैंने अकेले पैदा किया क्या? आकाश सुनो ना, अच्छा बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है? आकाश प्लीज बोलो ना। रीमा बिना मूड के ये सब नहीं होता मुझसे, प्लीज सो जाओ। तुम ना किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मनोविज्ञान के शोधकर्ता मानते हैं कि शादी के करीब 7 साल बाद खुशी में गिरावट आने लगती है। कुछ लोग अपने दांपत्य जीवन से ऊबने लगते हैं, पति को पत्नी में कमियां दिखाई देने लगती हैं, तो कभी कभी पत्नी को पति में भी कमियां दिखाई देने लगती हैं। ऐसे में जो दंपत्ति समस्या का हल आपस में मिलकर ढूंढ लेते हैं उनका गृहस्थ जीवन पटरी पर रहता है। लेकिन आकाश अपनी समस्या की खोज में घर की दहलीज लांघ गई और अपनी गिद्ध जैसी नजर उसने अपने ही दोस्त की पत्नी पर डाल दी। एक ओर नई शादी की उमंग तो दूसरी ओर पुरानी हो चुकी बीवी से भौभा। इस कहानी में अपराध की एक बड़ी पृष्ठभूमि तैयार कर चुका था। पत्नी और दोस्त को दगा देने वाला आस्तीन का यह सांप सोनम को निगलने की फिराक में था, लेकिन शारीरिक दुख की अंधी लालसा में आगे जो हुआ उसकी कल्पना आप सपने में भी नहीं कर सकते। हाँ पता नहीं कहाँ चली गई, मैं ऑफिस में जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। नहीं अभी तो ऑफिस में हूँ। हाँ वो करता हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, फोन करता हूँ। जी क्या हुआ हरीश? कल से सोनम घर नहीं लौटी, पता नहीं कहाँ चली गई। डोंट वरी, तुम्हारे मम्मी पापा घर चली गई होगी। नहीं सब जगह देख लिया, फोन करके वही पूछा, अभी दोस्तों को पूछ लिया, रिश्तेदारों को पूछ लिया, कहीं नहीं है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं मैं। हरीश एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं। कम ऑन कम ऑन, आप लोग अपना काम करो चलो। सर 2 दिन पहले उसका कोई पीछा कर रहा था, मतलब सोनम को ऐसा लग रहा था कि उसका कोई पीछा कर रहा है, ये बात उसने खुद मुझसे कही थी। आप प्लीज उसे ढूंढिए ना। अरे आधे घंटे से मैं भी यही बात कह रहा हूँ, कुछ करिए, पकड़िए उसे। कोई तस्वीर है उनकी? जी आराम से। अच्छा भूख लगी है, मैं लाया हूं मैं। एक मिनट, ये देखो
अच्छा अच्छा प्यास लगी है। लाया हूँ ना, लाया हूँ लाया हूँ। ये देखो, रिलैक्स। अच्छा हाँ, हाथ पैर नहीं खोलूंगा तो कैसे खाओ पियोगे ना? डोंट वरी, पैर खोलो। ये देखो, खोल दिया, ये लो। अब अच्छा मुंह खोल देता हूँ, चिल्लाओगे तो नहीं? प्रॉमिस, कोई तमाशा नहीं करना। खोल दिया मैंने हाथ। That's like a good girl. चुप कर वरना तेरी गर्दन डेढ़ धड़ से अलग कर दूंगा। चुप। सुनम, तुम्हारे चीखने चिल्लाने शोर मचाने का कोई फायदा नहीं। हाँ, दूर दूर तक तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। देखो यूँ रो रो के खाम खा अपनी खूबसूरती खराब कर रही हो। भूख लगी होगी। देखो मैं कितने प्यार से तुम्हारे लिए जूस लेकर आया था। लो पियो। पियो। जाकर आयो? मैं कहाँ जाकर आऊंगा? जहाँ पे भी जाकर आयो ना, रोज जाना। नींद कैसी आई तुम्हें? मुझे तो बहुत बढ़िया नींद आई, और उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से
कल रात मेरी बीवी बहुत टाइम बाद खुश हो, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कुछ दिखाना है तुमको, ये देखो, देखो क्या हालत हो गई है बेचारे की, न खाने की सुध, न पीने का ठिकाना, बिल्कुल होशो हवास खो बैठा है बेचारा, दीवाना हो गया। ऐसे में इसे मारना तो बहुत आसान होगा, नहीं? प्लीज इसे कुछ मत करना, ठीक है? कुछ नहीं कहूंगा। रीमा बेचारी मेरा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हो, और मैं उसे कल रात से भी ज्यादा खुशी देना चाहता हूं, बस तुम मुझे एक बार अपने कपड़े उतार के दिखा दो। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पता नहीं बेचारे हरीश का क्या होगा। हरीश को कुछ मत करना प्लीज। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगा उसे, तुम बस एक बार मेरा काम आ लो। नाम क्या है इस गुठली का? गुठली? कौन गुठली? भाई जिसका तसव्वुर करके तुम मुझसे इतना प्यार करने लगे हो। नहीं बताना तो मत बताओ। मुझे गुठली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस आम से मतलब है। नया फ्लैट बिल खराब, हरीश हरीश कुछ खाएगा पिएगा नहीं, बीमार पड़ जाएगा, फिर सोनम को कैसे ढूंढेंगे हम? पानी तो पी अभी। यस गुड, उठा लो भाई फोन तो उठा लो। कौन है अभी? हेलो। हाँ मैडम जी, वो आपका जयपुर से सोफा आया जो आपने ऑर्डर दिया था आपके नए वाले फ्लैट पे। अरे तो साहब को फोन करो ना। किया था मैडम फोन, अब साहब उठा ही नहीं रहे हैं, अब घर में नहीं हो कोई, क्या कैसे रहेगा, नया फ्लैट है। ओ अच्छा रुको मैं आती हूँ। हेलो मैडम जल्दी आइएगा, नहीं तो सोफा आपका जयपुर चला जाएगा। कहाँ ना मैं आती हूँ, तुम रुको वहीं पे। हेलो हेलो
आपने फोन किया था? हाँ साहब, मैंने फोन किया था, वो जयपुर से आपका सोफा लाया हूँ। आपने उठाया नहीं तो फिर मैंने मैडम को फोन किया, मैडम आई है। मैडम आई है? कहाँ आई है? वो तो ऊपर गई है। बाबे जी, आकाश भाई साहब ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है, पिछले एक हफ्ते से मैं यहीं पर कैद हूँ। वो मुझसे कितनी कितनी बातें करते हैं। भाभी जी प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, प्लीज प्लीज भाभी जी प्लीज। तूने फोन किया था ना? हाँ मैंने किया था। आप आकाश बाबू हो क्या? हाँ, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? अरे मैं वापस जा रहा हूँ जयपुर सोफा लेके। क्यों? अरे मैडम बोले ये नहीं चाहिए। किसने बांधा तुम्हें? मैंने बांधा। मैं अंदर आई तो रोने धोने लग गई, मुझे बचा लो मुझे बचा लो, तो मैंने मना कर दिया, तो भागने लगी, तो मैंने पकड़ के बांध दिया। देखा देखा मोटी होने का फायदा, इन पतली दुबली लड़कियों से ज्यादा ताकत है हमें। हफ्ते भर से कैद कर रखा है इसे। रीमा सोनम सोनम सोनम, थैंक यू वेरी मच। अरे तुम्हारी वजह से ना ये सारी खोई हुई खुशियां मुझे वापस मिल गई। पता है ये ना तुमको मुझ में देखते हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो मेरा प्यार मिल रहा है ना। एक पल को लगा कि रीमा सोनम को बचा लेगी, लेकिन सोनम को बचाने की जगह वो अपने पति के साथ खड़ी थी। क्यों? पति का इतना घिनौना चेहरा सामने होते हुए भी पत्नी उसके अपराध में भागीदार बन जाए तो इसे क्या कहेंगे यार? असल में बुद्धि का बिगड़ जाना ही सब रोगों का कारण है, और एक बिगड़े हुए दिमाग से केवल शारीरिक रोग ही नहीं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और आत्मिक रोग भी पैदा होते हैं। आकाश और रीमा की घटिया सोच में सोनम का फंस जाना इस बात का सबूत है। अपने अंधे स्वार्थ में दोनों ने निर्दोष सोनम की जिंदगी नरक बना दी। आकाश सोनम में अपनी पत्नी का सुख देख रहा था, और पत्नी एक अपराधी में अपने पति का सुख। इस तरह का अंधा स्वार्थ विनाश का संकेत है। Oh, my God.
हाँ हरीश, क्या भाई साहब देखो क्या हो गया, सोना मम्मी छोड़ के चली गई भाई साहब। कैसे हुआ ये सब? कल रात हाईवे पर एक ट्रक उड़ाकर चला गया, हमें बॉडी से कुछ चीजें मिली है जिनसे इनकी पहचान हुई है। कैसे? ये तो कल से फ्लैट पर भी नहीं है, शायद भाग गई थी। कैसे विलख विलख के रो रहा है बेचारा। सोनम, हरीश के लिए और इस दुनिया के लिए अब तुम मर चुके। पर ये कैसे? तुम्हारे कपड़े, मंगलसूत्र, गहने मैं क्यों लेकर गया था? हरीश के लिए तो लेकर गया था। गरीब लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। मुझे भी ये गरीब औरत मिल गई बेचारी, और मैंने उसे तुम्हारे सारे कपड़े, मंगलसूत्र, गहने दे दी, और उसने भी खुशी खुशी ले लिए और पहन भी लिए। पर बेचारी की खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, सड़क पार कर रही थी तो मैंने उसे ट्रक के आगे धक्का दे दिया। देखो सोनम, मैं अपने माइंड में एक बात तो फाइनल कर चुका हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं सच्ची। ये हरीश, अरे ये भूल जाएगा थोड़े दिनों में तुम्हें। ये तेरवी, चौथा, ये सब होते ही लोग भूल जाते हैं। ये हरीश जिसके लिए तुम इतना प्यार दिखा रही हो, ये भी भूल जाएगा तुम्हें थोड़े दिनों में, दूसरी शादी कर लेगा। तुम मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना, शादी कर लेते हैं। शादी कर ले। ठीक है, कर लेते हैं शादी, पर तुम्हारी वाइफ, उसे पता है तुम्हारी इस प्लानिंग के बारे में? बहुत कमी ही है वो। पहले उसका कुछ करो। पिंकी, टाइम टेबल के हिसाब से बुक्स बैग में रख दो, मैं नहाकर आई। Ah!
क्या हुआ? नहीं। क्या? पापा देखो ना मम्मी को क्या हुआ? हाँ बेटा देखता हूँ। डॉक्टर को कॉल करो ना जल्दी पापा। करता हूँ। मम्मी पापा फोन किया क्या डॉक्टर को? हाँ बेटा कर रहा हूँ कर रहा हूँ। रीमा आर यू ओके? ओके रीमा, रीमा क्या 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 हुआ था? नल में करंट। ऊपर का टिकट तो आज उसका कट ही चुका था, पर जाते जाते रह गई। पर कोई बात, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो हफ्ते बाद उसे तुम्हारे और मेरे बीच से हटना ही होगा। पहले तुम्हारी बीवी और बेटी तुम्हारी जिंदगी से चले जाए, उसके बाद। भाभी जी हो गया। हुआ क्या था? वो जो गीजर का तार था ना, नल से लिपटा हुआ था। अपने आप तो ऐसा हो नहीं सकता है, किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है। अभी टेंशन की बात नहीं है, मैंने सब ठीक कर दिया है। हाँ ठीक है, तुम जाओ। हेलो हेलो हरीश, तुम अभी? अब भाई साहब अच्छा कि आपने फोन किया, कल सोनम की 13वीं है, ये इन्फॉर्म करना था। आ जाइएगा। भाभी जी को मैंने कह दिया। अब ठीक है हरीश, मैं कल पहुंच जाऊंगा। हाँ ओके। थक गए हो? नहा लो। मुझे नहीं नहाना। डरो मत, मैंने नल पे गीजर का तार नहीं लगाया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे मजाक कर रही हूं, तुम ही मुझे सीरियसली ले रहे हो। सोनम की याद आ रही है? मैं भी बहुत मिस कर रही हूं। कल उसकी 13वीं है, तुम चले जाना, मैं नहीं आ पाऊंगी। वो कल सोफे वाले को बुलाया है, नए फ्लैट में जाना है।
अरे हमें तो वो सोसाइटी इतनी अच्छी लगी कि हमने दूसरा फ्लैट भी वहीं पे खरीद लिया। रीमा आइए आइए, तुम्हारा इंतजार था। तुम्हारी इस डार्लिंग ने सब कुछ पक दिया है। बक दिया? क्या बक दिया इसने? यही कि कैसे तुमने इसकी मौत का झूठा नाटक करके हरीश की जिंदगी से इसको हमेशा के लिए निकाल दिया, और अब मेरी परमानेंट छुट्टी करके इससे शादी करना चाहते हो, राइट सोना? आकाश, आकाश मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगी। आकाश क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? रीमा ये झूठ बोल रही है। बकवास तुम कर रहे हो? ये झूठ नहीं बोल रही, झूठ तो तुमने मुझसे कहा। तुमने मुझसे कहा कि ये मर गई है, मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो ताकि तुम इससे शादी कर सको। मैं तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करूंगा? रीमा मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, प्यार करता हूँ ना तुमसे। आकाश प्लीज, तुम हटो, चुप रहो। मैं ये बकवास कर रही हूँ? झूठ बोल रही हूँ? मेरा विश्वास करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। रीमा प्यार करते हो ना मुझसे? तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें साबित करो। क्या इसको हमारी जिंदगी से निकाल दो, इसको रास्ते से हटा दो। ये लो, मार दो इसे आकाश। वैसे भी दुनिया के लिए तो मर चुकी है ना? दुनिया के लिए तो मैं वैसे ही मर चुकी हूँ, और अब तो हरीश भी मुझे भूल चुका है। आकाश हम दोनों साथ में जिंदगी बिताने वाले हैं ना? आकाश, आकाश से मार दो, उससे शादी की है। आकाश से मार दो, आकाश। रीमा तूने मुझे मारा कैसे? इस औरत के लिए मुझे मारा, मुझे मारा, मुझे मारा, मुझे मारा, मुझे मारा। किसी के प्रति आकर्षण होना एक अलग चीज है, लेकिन उस आकर्षण के चलते अपनी शादीशुदा जिंदगी को ताक पर रख देना दूषित दिमाग का एक ऐसा विकार है जिसका नुकसान कई बार परिवार को ही नहीं अपितु पूरे समाज को झेलना पड़ता है। माता पिता बनते ही पति पत्नी की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन होते हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं, जिन्हें हमें सहजता से स्वीकार करना चाहिए। स्मरण रखिए, आत्मीय प्रेम और संतोष ही हमारे जीवन में स्थायी सुख का आधार होते हैं। विवाह दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं के बीच होने वाला संबंध, जो परस्पर समझ, एक दूसरे के प्रति समर्पण, श्रद्धा और विश्वास पर टिका होता है। लेकिन जब इस पवित्र रिश्ते का आधार आत्मिक ना होकर केवल शारीरिक हो, तब हमें क्षणिक आनंद की तो प्राप्ति होती है, पर यही क्षणिक आनंद हमारे संपूर्ण जीवन को विषादग्रस्त कर देता है। एक औरत होकर रीमा ने सोनम के जख्मों पर नमक छिड़का, ये इस कहानी का सबसे दुखद पक्ष है। सोनम की पीड़ा और अपने पति का असली रूप देखने के बाद यदि रीमा समझ जाती तो आज उसका पति जेल में होता और मासूम पिंकी अपनी माँ के साथ। लेकिन पति पत्नी के अंधे स्वार्थ ने सब कुछ तबाह कर दिया।
पर इस कहानी का सबसे सुखद पहलू यह भी है कि पिंकी को सोनम और हरीश ने गोद ले लिया। कल तक जो अनजान थे वो आज पिंकी के अपने, और जो अपने थे उनका कुकर्म और अंजाम आप सबके सामने। समय लगातार चल रहा है, इसकी गति मन और शरीर को तो बदलेगी, दिल के भीतर बसा पवित्र प्रेम दाम्पत्य जीवन में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी और सावधान इंडिया।